अमेरिका में बैंकिंग संकट गहराता ही जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद एक और बैंक डूबने की कगार पर है। अमेरिका के फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की वित्तीय हालत खराब है और इसकी सांसें उखड़ रही है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयरों में शुक्रवार को भारी गिरावट आई। वहीं फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी और पीएनसी से कहा है कि वो रविवार तक फाइनल बिड्स जमा कर दे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही सैन फ्रांसिस्को स्थित फर्स्ट रिपब्लिक बैंक बिक सकता है। रिसीवरशिप में गिर जाता है तो ये पिछले महीने एक महीने में डूबने वाला अमेरिका का तीसरा बैंक होगा। अमेरिकी बैंकिंग नियामक द्वारा रिसीवरशिप में लेने की अटकलों के बाद शुक्रवार को न्यूयॉर्क ट्रेडिंग में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयरों में 54% तक की गिरावट आई थी और स्टॉक 43% की गिरावट पर क्लोज हुए थे। बैंक के शेयर इस साल अब तक 97% टूट चुके हैं। वही 11 बैंकों के एक समूह ने मार्च में फर्स्ट रिपब्लिक में $30 बिलियन जमा किए थे ताकि समाधान खोजने के लिए समय मिल सके। इसमें जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फॉर्गे, गोल्डमैन सैक और मॉर्गन शामिल थे। रॉयटर्स की खबर के अनुसार इस बीच अमेरिकी बैंकिंग नियामक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को तत्काल रिसीवरशिप के तहत रखने की तैयारी कर रहा है। न्यूज डेस्क, आरआर न्यूज़।